subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, कल हम पढ़ चुके हैं एस एंड पी, आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एस थे, ये पी थे और ये बीच वाले हमारे पास डी हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज, ओके, या इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस एंड पी के बीच में है, ओके, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि इनको डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है। जब हमने एस एंड पी पढ़ा था तो वहाँ पर डेफिनेशन क्या थी? एस की डेफिनेशन थी हमारे पास द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू द एस ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कहाँ होगा एंटर? यहाँ पे आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी के अंदर एंटर होगा। मगर यहाँ पे एक कंडीशन है हमारे पास, कौन सी कंडीशन? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू द डी ऑर्बिटल बट दे आर एंटर इन पेनल्टीमेट शेल, ओके। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू द पेनल्टीमेट शेल, ओके। लास्ट को यहाँ पे पेनल्टीमेट कहा गया है, ओके। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है? डी ऑर्बिटल में या डी सबशेल में, और जिन्हें कहा गया है पेनल्टीमेट शेल। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास बनेगी वो बनेगी द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू द डी ऑर्बिटल ऑफ देयर लास्ट व्हाट दैट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल एंड एनर्जी लेवल, ओके। आप नॉर्मल से याद रखिए, लास्ट जो है इलेक्ट्रॉन एंटर होगा पेनल्टीमेट शेल में, ओके। तो पेनल्टीमेट शेल में हो गया। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो किस तरह से आएगी? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कहाँ से? थ्री से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आपके पास एस था, यहाँ पे पी था, यहाँ पे डी होगा। टोटल कितने हैं? एक पीरियड में 10 है, ओके। तो आपकी जो बनेगी यहाँ पे वो आपकी बनेगी एन माइनस वन डी। एन माइनस डी, एन माइनस वन डी क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास पेनल्टीमेट शेल है, ओके। डी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 10 तक होगी। और जो आपके पास एन एस होगा, या तो उसमें 1 होगा या तो उसमें 2 होगा, ओके। तो ये आपके पास इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि हमने इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी, ओके। जो हमारे पास पेनल्टीमेट शेल है डी की 1 to 10, ओके, एंड एन एस में 1 या 2 होंगे। तो ये हमारे पास हो गए यहाँ पे, या आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2। तो ये आपके पास हो गए। आपके पास 4 ट्रांजिशन सीरीज है यहाँ पे। कौन कौन सी हैं आपके पास? एक आपके पास स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, एंड नेक्स्ट जो है आपके पास यट्रियम से लेकर कैडमियम तक है। नेक्स्ट जो है आपके पास लेंथेनम से लेकर मरकरी तक है, एंड नेक्स्ट जो है आपके पास एसेटाइलम से लेकर अन्यूबियम तक है। ये जो है उसके दूसरे नेम है, ओके। तो ये आपके पास यहाँ तक है सीरीज। अगर आप और तरीके से देखोगे तो ये एलिमेंट जो है आपके पास इनके बीच में आते हैं, क्योंकि इनकी जो अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका जो नंबर है वो है 58, यानी यहाँ पे 57 था। इसके बीच में जो है बाकी एलिमेंट ये सारे चेंज कर दिए गए हैं, इनको एफ में ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एफ आपके पास एंटर हो जाती है, एफ ऑर्बिटल या एफ शेल, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ में एंटर होंगे, तो इसलिए इनको सेपरेट किया गया है और इन्हें कहा गया है एक्टिनोइड्स एंड लेंथेनोइड्स, ओके, या लेंथेनाइड्स। इनको हम थोड़ी देर के बाद स्टडी करते हैं, अभी हम आते हैं डी ब्लॉक के ऊपर, ओके। तो डी ब्लॉक को आपने देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक इसकी जो ट्रांजिशन सीरीज है वो शुरू होती है, ओके। तो यहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन सीरीज आ गई सारी की सारी। तो इसमें यही है जानने के लिए, इनको नॉर्मल साफ फर्स्ट को याद रखिए। यहाँ पे आपके पास क्वाइनिज मेटल है, जो आपके पास मरकरी आ गया, कैडमियम आ गया, इनके बारे में नॉर्मल से याद रखिए। बाकी ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानने के है नहीं। बाकी हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी या करेक्टरिस्टिक जिन्हें हम कह सकते हैं, ओके, हम इन्हें प्रॉपर्टीज़ कह देते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारे पास। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास वो होगी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। फर्स्ट ये आ गई, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आएगा दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स,
दे फॉर्म कलर कम्प्लेक्सेस या कंपाउंड आप बोल सकते हैं। ओके ये जो है कलर जितने भी कंपाउंड होते हैं मैक्सिमम कलर की फॉर्म में होते हैं। ओके मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर कंपाउंड। दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड और इनसे जो है कम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनते हैं। दे फॉर्म गुड कम्प्लेक्स कंपाउंड। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक ओके दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इनकी आती है दे एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट ओके यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको शो कर सकते हैं। सिक्स्थ आती है हमारे पास मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट सच लाइक यानी जो आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ ये जो है यूज होते हैं मैक्सिमम टाइम इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। ओके कहाँ पे यूज होते हैं कैटलिस्ट में। ओके कहाँ यूज होते हैं कैटलिस्ट में जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कितनी ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज आ गई हाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कलर कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन या कम्प्लेक्स कंपाउंड्स ये फॉर्म करते हैं। नेचर में पैरामैग्नेट होते हैं मैक्सिमम टाइम सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और एज ए कैटलिस्ट भी इनको यूज़ किया जाता है जो हमने यहाँ पे कंपाउंड लिखे हैं। तो इसके बारे में इतना ही था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट हम आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू द एफ ऑर्बिटल। ओके ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास एफ ऑर्बिटल में एंटर होगा मगर एक कंडीशन है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास वो ऐड होगा थर्ड टू द आउटर मोस्ट सेल। ओके यानी थर्ड जो है आपके पास शेल होगी उसमें ऐड होगा वो आउटर मोस्ट है यानी जिसे हम कहते हैं एंटी पेनल्टी मेट शेल। एंटी पेनल्टी मेट ओके तो आप इस तरह से याद रखिए इन विच या द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू द एफ ऑर्बिटल ऑफ देयर एन एंटी पेनल्टीमेट शेल। ओके डी में आपके पास पेनल्टीमेट था जिसे हम एन माइनस वन के साथ रिप्रेजेंट करते थे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एन माइनस टू के साथ। और अब जो आपके पास एन माइनस टू एफ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे डी लिख सकते हैं क्योंकि ये डी के लिए था ये आपके पास एफ के लिए है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सीरीज आती है कौन सी लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। ओके दो सीरीज हमारे पास आएगी ये हमारे पास लेंथेनम सीरीज से आगे आता है और ये एक्टिनम सीरीज से आगे आता है इसीलिए इन्हें लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स भी कहा गया है या इन्हें लेंथेनाइड्स भी कहा गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेंथेनोइड्स की तरफ। ओके लेंथेनोइड्स की तरफ चलते हैं। अब लेंथेनोइड्स क्या है हमारे पास इन्हें आप लेंथेनोइड्स भी कह सकते हैं और लेंथेनाइड्स भी कह सकते हैं। ओके तो लेंथेनोइड सीरीज आपके पास कहाँ से चलती है ये चलती है आपके पास सीरम से लेकर कहाँ तक लुटीटनियम तक। ओके ये आपके पास सीरम से लेकर लुटीटनियम तक चलती है और जो आपके पास एक्टिनोइड सीरीज है वो थोरियम से लेकर आपके पास लेवेसरियम तक चलती है ये आपके पास लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे। ओके तो ये आपके पास यहाँ पे हो गए तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट अब इन्हें कहा जाता है रेयर अर्थ मैटर। रेयर अर्थ एलिमेंट ओके इन्हें कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट। ओके सेकंड सीरीज है आपके पास एक्टिनोइड्स। एक्टिनाइड्स या एक्टिनोइड्स ओके अब ये कहाँ से आ गए आपके पास 92-103 तक ये कहाँ तक थी आपके पास ये थी आपके पास 58 से लेकर 71 तक। ओके तो ये सीरीज आपके पास यहाँ पे बन गई। अब ये जो सीरीज है इन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव। ओके दीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर जो आपके पास एक्टिनोइड्स हैं वो हैं आपके पास रेडियो एक्टिव इन नेचर। ओके तो ये जो है आपके पास ये रेडियो एक्टिव है नेचर में।
अब जो आपके पास एफ ब्लॉक है, इसकी अगर आपको जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आनी चाहिए। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपके पास, वो होगी आपके पास फर्स्ट कहाँ जाएगा, एन माइनस टू एफ में। ओके, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 to 14 तक। ओके, 1 to 14 तक चले गए। इसके बाद क्या आएगा, एन माइनस डी, सॉरी एन माइनस वन डी आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास इसमें कितने होंगे, इसमें आपके पास 0 से लेकर 2 तक चलेगा, और जो आपके पास एन एस है 2, ये आपके पास फुली फील्ड होगा। तो ये आपके पास इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये आ गई। ओके, इसे आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव हो गए, इन्हें रेयर अर्थ मैटर कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक चलती है मैंने आपको सीरीज बता दी, ये इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, एंड एक और है कि द एलिमेंट इंक्लूड इन टू सीरीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो टू सीरीज के बीच में हैं, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज दे फॉर्म ट्रांजिशन सीरीज विद द ट्रांजिशन मैटर। इन्हें और नाम क्या है इनका, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज के बीच में आते हैं। कहाँ पे आते हैं आपके पास, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आएंगे। ओके, ये शो किया गया यहाँ से, ये यहाँ से, तो इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ओके, और इनका जो जर्नल करेक्टर है, यानी जो इनकी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कभी भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट आता है, दे आर हैवी मेटल। ओके, इन्हें हैवी मेटल भी कहते हैं, या हैवी मेटल यानी जो जिनका मास काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, सेकंड जो टर्म आती है वो है हमारे पास, दे आर जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सेकंड टर्म हमारे पास आएगी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड टर्म हमारे पास आती है, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा मिलती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ हमारे पास आएगी इसकी प्रॉपर्टीज, फोर्थ है दे फॉर्म कलर कलर्ड आयन, कलर्ड आयन्स। ओके, कलर्ड आयन्स हो गए। एंड फिफ्थ जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आएगी वो है हमारे पास, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड। इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है डी ब्लॉक के साथ मैच कर रही है। ओके, डी ब्लॉक। एंड जो सिक्स इसकी आपके पास बनेगी वो बनेगी, एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव कौन होंगे आपके पास, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स जो आपके पास रेडियो एक्टिव हैं। ओके, एंड मे द एक्टिनॉइड एलिमेंट हैव बीन मेड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटी ऑफ और इवन लेस देन न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड देयर केमिस्ट्री इज नॉट फुल स्टडी। और इनकी जो आपके पास स्टडी है ना एक्टिनॉइड्स की, इनको अभी तक पूरी तरह से स्टडी नहीं किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। एंड द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ है आपके पास, ये है 92 के ऊपर। इसके बाद जो आपके पास एलिमेंट होते हैं, इन्हें कहा जाता है आपके पास ट्रांस सूरिनियम एलिमेंट। ओके, टी आर ए एन एस यू आर ए, आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, टी आर ए एन एस यू आर ए एन आई यू एम। ओके, एलिमेंट्स, ट्रांसुरेनियम एलिमेंट्स भी इन्हें कहा जाता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, अब जितने भी हमने चार ब्लॉक्स पढ़े, कौन कौन से, एस पी डी एफ। ओके, कहाँ पढ़े, एस पी डी एंड एफ। ओके, अब इनके बेसिस के ऊपर आपके पास किस कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बन गई, मैं यहीं भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड आपका फुल हो गया है सारा। हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आई, हमारे पास आई एस पी डी एंड एफ। ओके, एस पी डी एंड एफ, ब्लॉक लिख लीजिए, एलिमेंट लिख लीजिए, एक ही बात है। एस एंड पी को कलेक्टिवली कहा गया रिप्रेजेंटेड एलिमेंट, डी को कहा गया ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ को कहा गया, क्या कहा गया था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट।
क्योंकि ये इनके अंदर प्रेजेंट है। अब आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिप्रेजेंटेड एलिमेंट, इन दोनों को कहा गया। और एक टर्म हमारे पास नहीं आती है, नोबल गैस। नोबल गैस वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, नोबल गैसेस की जो आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है वो आपके पास NH2NP6 बनती है, यानी वो आपके पास स्टेबल होंगे। आपके पास केवल हीलियम होगा। हीलियम की आपके पास कितनी होती है? हीलियम की हमारे पास होती है 1s2, फुली फील्ड है। बाकी में आपके पास यही आएगी, एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपके पास। तो ये जो है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। बाकी आपको पता है जिस तरह से हम इस साइड को वेरी करेंगे, साइज डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि न्यू शेल जो है ऐड होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें हम स्टडी कर लेंगे सारी टर्म्स की, साइज किस तरह से वेरी होता है, आपके पास एटॉमिक रेडियाई होगा वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि आपको कुछ देर में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।